करना पड़ेगा अगर वे इस टूर्नामेंट में आगे तो और ठाक एचपी बची हुई है जी। और रेडियो की बात पास में भी आ रही स्पोर्ट्स को और इस बार भी वो आ जरूर सकती है। एक प्लेयर वहां पे रुक गया, पक्का है उन्होंने अटैक किया, दो तरफा वार और वो प्लेयर बेहाल। आ रही स्पोर्ट्स, पहले भी हमने इस बारे में चर्चा करी कि प्लेयर्स एक दूसरे को कवर नहीं दे पा रहे हैं और ये बेहतर कमबैक आप कह सकते हैं, एक बढ़िया रिटेलिएशन आया जहां पे एडविनो को डाउन जरूर किया लेकिन बहुत ओपन में जाकर के अक्षु वो स्प्रेज ले रहे थे और उनको वहां पे काफी आसानी से टेक डाउन किया जाएगा। एडविनो उनको इजीली रिवाइवल भी मिल जाएगा और अब देखना यह कि आर ई स्पोर्ट्स वो मैन डिसएडवांटेज के साथ क्या अप्रोच दिखाते हैं इस फाइट के अंदर। जॉनथन की बात करें व्हीकल लेकर के वो सबसे आगे जा रहे हैं, अंडर प्रेशर आर ई स्पोर्ट्स हमें देखने को मिल रही है लेकिन उनको यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा अगर वे इस टूर्नामेंट में आगे। टॉस एक बार फिर से वो थोड़ा ओवर पीक करते हुए नजर आए उस ग्रेनेड को थ्रो करते वक्त और खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अब अक्षु और मानस मात्र दो खिलाड़ी यहाँ पे सर्वाइव करते और देखना यह कि जाते जाते क्या वो कुछ भी डैमेज दे पाएंगे, क्या वो 2v4 क्लच कर पाएंगे क्योंकि अभी के लिए वो बहुत ही दूर की सोच नजर आ रही है। बहुत मुश्किल है, कंपाउंड के अंदर आप फंस गए और टीम बॉटलर के पास बहुत सारे नेट्स हैं बट उसका इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। एक एक करके प्लेयर्स आर स्पोर्ट्स के फंसते नजर आए। अक्षु इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग एंड इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक शुरुआत हुई है चार फ्रैक्स के साथ। लेकिन आर ई स्पोर्ट्स क्या अब वो यहाँ से कमबैक कर सकते हैं? वो है उस कमबैक के लिए वो तैयार है आईक्यू बीएनपीएस 2024 में राउंड 2 के सपने के साथ। टीम जी का खेल तो अभी शुरू हुआ है, आप बिल्कुल सेंटर में मतलब ब्लू जोन के साथ साथ रोटेशन वो कर सकते हैं। वहीं सिम को यहाँ पे डाउन किया सैयद के द्वारा। टीम जी वर्सेस गॉड लाइक, ये बैटल आप मिस करना चाहते नहीं। टीम ब्लिस कार्निवल गेमिंग नहीं हो अपनी टीम के लिए, भले ही सिर्फ दो प्लेयर्स बचे हैं लेकिन अब सवाल ये बनता है कि जोन के अंदर वो कैसे जाएंगे। जी हाँ, और इन तीन फिनिशर्स के साथ ही ड्रैगन ने भी वो जो 70 का आंकड़ा है वो पार कर लिया तो आप कह सकते हैं कि उनके लिए भी कुछ खास चुनौतीपूर्ण अब रहेगा नहीं। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनकी फाइट अब हमें देखने को मिल जरूर सकती है। वो नॉर्दर्न एजेस का जो एरिया है वो एक्वायर करना चाहता है लेकिन वो बढ़िया ग्रेनेड जो हमें सवितार का देखने को मिलेगा और टीम इनर्शिया जैसे कि हम चर्चाएं कर भी रहे थे कि ब्रीदिंग स्पेस उनके पास बहुत कम है, मुश्किलें उनकी बढ़ाई जाएगी। उनको भी डाउन किया गया, एक बढ़िया ग्रेनेड और इसी के साथ अब जोन के अंदर अगर एंट्री लेनी है तो फिर ब्लिस की चुनौती भी स्वीकार करनी पड़ेगी। अपने कंपाउंड को तो बहुत बेहतर डिफेंड करते हैं बट क्या ओपन एरिया को डिफेंड कर पाएंगे, ये सवाल। तीन खिलाड़ी जाके हुए हैं डाउन बट अभी भी मौका है, बाकी दो खिलाड़ी टीम जी के बहुत दूर थे, उनको काफी तेजी से यहाँ पे आके बैकअप प्रोवाइड करना पड़ेगा। विजय वो एक आखिरी खिलाड़ी मौजूद यहाँ पे टीम जी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट और वहां पे स्काउट वो राइज अप करते हुए नजर आएंगे। दो फिनिशेस उनके खाते में, 9 फिनिशेस के साथ टीम जी वो हीरो बनने के लिए तैयार बट अब सर्कल उनसे दूर जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ टीम ब्लिस वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की फाइट स्टार्ट हो चुकी है जहां पर जॉनथन को टेक डाउन किया गया। पंक उनका पलटवार, वो एक ग्रेनेड जहां पे उन्होंने मॉप को डाउन किया है बट टीम जी हमने बात की थी टीम कॉस्मिक की स्पीरो की वो सबसे बेहतरीन कमबैक, मुझ पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि टीम जी अगर यहां से इस चीज को पुल ऑफ करने में कामयाब होती है वाईकू बीएम बट अब वो सर्कल के अंदर आते हुए नजर आएंगे। दर्श देखना है कि क्या वो कुछ बेहतर कर पाएंगे। पंक उनके ऊपर बहुत बेहतरीन शॉट लेके स्काउट के द्वारा लेकिन अगर वो नॉक आ जाता तो आप कह सकते हैं कि चीज उनके फेवर में जा सकती है बट फिर उन्होंने वो एक जो आखिरी खिलाड़ी बचे तो उनको डाउन किया। वैक्सीन उन्होंने पंक को डाउन किया, सैयद वो भी डाउन किए जाएंगे। स्काउट उनके ऊपर भी वो ग्रेनेड आता हुआ, टीम जी वैक्सी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग और अब एडविनो देखना ये कि वो क्या करके जाएंगे। एक 1v2 की चुनौती टीम जी यहां से 6 प्लेसमेंट के पॉइंट्स उनके पास जाएंगे ही। अब देखना ये है कि 15 अंक से ऊपर वो कितने लेके जा पाएंगे। थ्रोएबल्स का बेहतरीन इस्तेमाल, वेक्सी वो भी डाउन किए जाएंगे। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक द गॉड्स ऑफ बीजेएमआई आर बैक इन एक्शन। और अब दिक्कत इस बात की है ना कि 5वां फेज आ चुका है, अब यहां आप जोन के बाहर रुक के लेने के लिए तैयार थे और बहुत आसानी से उस खिलाड़ी को नॉक किया क्योंकि 51 पर ये टीम थी, 5 फिनिशर्स निकाले। अब वो टीम 56 पर पहुंच गई और 2 और मिलते 57। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लैश का इस्तेमाल करा गया वहां पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से बट हाथ में नेट था, फंस गया वहां पे वो खिलाड़ी और डैमेज कितना ज्यादा दिया ब्लेस के उस प्लेयर ने अपनी शॉटगन के साथ। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये तो अच्छा है, ब्लेस के प्लेयर्स यहां पे एक साथ अटैक करने नहीं आए, 2 प्लेयर्स यहां पे नॉक हैं। जोनाथन डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं बगी के साथ। टर्बो अपनी टीम का आखिरी खिलाड़ी, बहुत दूर थे अपनी टीम से और इन सब के बीच में PSY लगभग उनका सफर समाप्त हो चुका है पर टर्बो वो ग्रेनेड शानदार और सेम्प अभी थोड़ी देर पहले ही उठाए गए थे वो भी नॉक हुए और दूसरा जो ग्रेनेड थ्रो किया उससे भी उनको डैमेज पड़ा है। पर जॉनथन
उनको वो फिनिशेस चाहिए होंगे। ब्लेस एजे वो भी एडमिनो के द्वारा डाउन करे गए, पहले से ही नॉक पड़े हुए थे, एलिमिनेशन उनका हो चुका है, पर अभी भी टीम गॉडलाइक वो जोन के एज पर फंसी हुई है। आउट हल्का सा वो ओपन में गए, वहां पे उनको डाउन किया। और इधर देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अटैक कर रहे हैं। कार्निवल गेमिंग एक बहुत खतरनाक की टीम है, ये मुकाबला आप मिस नहीं करना चाहते। बट दो प्लेयर्स कार्निवल गेमिंग के वो थोड़े से दूरी पे, और विंड गॉड उनका भी आगमन हुआ है इस कंपाउंड में। विंड गॉड उन्हें तो फिनिशेस वैसे भी चाहिए ही चाहिए, एक्स्ट्रा फिनिशेस निकाल कर जाते तो मजेदार रहेगा। गॉब्लिन उन्होंने जोनाथन को समाप्त किया। पंक जो डाउन पड़े हुए सिम रिवाइव करने के लिए गए नियो एक ग्रेनेड के साथ, उस ग्रेनेड से उनको डैमेज पड़ सकता है। जी नहीं, डैमेज पड़ा नहीं, अपनी पोजीशन वहां से चेंज होता है कि जब जोन के बाहर आप फंस जाते हैं और मल्टीपल टीम्स आपके सामने होती हैं, बट सारे के सारे गॉडलाइक के खिलाड़ी अटैक करना चाहते हैं एनियो के ऊपर। बट गॉब्लिन देखिए कितनी तेजी से आए अपने प्लेयर को बचाने के लिए, एक दूसरे को कवर देने के लिए। गॉब्लिन का वो नेड पंक को करा डाउन, बट सामने प्लेयर के बारे में पता नहीं है गॉब्लिन को, गॉब्लिन की मुश्किलें बढ़ सकती है। बट शॉटगन के साथ ये खिलाड़ी कमाल करता है, गॉब्लिन भी एमपीएस आता है, गॉटलिंग ये बच जाता है, बट चार फिनिशेस अभी काफी नहीं है और दूर दराज इलाकों से स्प्रे भी आते हुए। खाली गॉडलाइक की टीम, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बूट कैंप पर भर के टीम्स जाने वाली है। और आरटीजी एक्साइटी में कह रहा था कि उनके लिए सैनॉक के मैचेस सबसे ज्यादा बढ़िया गए हैं और वहां उनके खिलाड़ी डाउन होते हुए नजर आए। पर सिम की आप एचपी देखें, पंक की आप एचपी देखें, जोनाथन इकलौते खिलाड़ी हैं जिनके पास ठीक ठाक एचपी बची हुई है। और रेडियन की बात करें, वहां पर उन्होंने बाके का प्रहार किया था एडमिनो के ऊपर और उनको फिनिश किया था। पंक की बात करें, उन्होंने बदला भी लिया, बट चार फिनिशेस वो इनिशियली आ चुके टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। और आरटीजी एक्साइंडी उनका जो सफर है वो इस मुकाबले में सैंडविच सिचुएशन यहां पे अब आ चुकी है ओरिजिनल्स के सामने। और ये नॉक निकालना आवश्यक था, ये नॉक निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अब एम गॉड वो एक आखिरी खिलाड़ी बचेंगे ओरिजिनल्स, दे आर डिनाइंग टू डाई। और एम गॉड उनके ऊपर ऑलरेडी डैमेज बहुत ज्यादा आ चुका है, आपको गाड़ियों की जरूरत पड़ने वाली है। पर नॉनएक्स वो सही समय पे वो वहां से डिसंगेज करके निकले। आप देखिए कि वो टीम पीछे जा चुके हैं, पर हेक्टर जोनाथन को उन्होंने देखा है नॉक किए गए। दूसरे साइड पे रेक्स उन्होंने ओपो को एलिमिनेट कर दिया है और हेक्टर उस मोलोटॉफ के साथ फिनिश अपना कंफर्म करना चाहते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पंक उनके आईजीएल अकेले बचेंगे अपनी टीम से, दो को पहले एलिमिनेट करा चुके थे ड्रीम्स, उन्होंने हाइड्रा को भी एलिमिनेट करा, यानी कि इनर्शिया उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है इस मैच से भी। और आईको बीएमपीएस 2024 से भी, क्योंकि उतने अंक वो निकाल नहीं पाए, 50 का आंकड़ा वो भी क्रॉस हुआ नहीं। पर नॉनिक्स वर्सेस द ओजीज के बीच में फाइट हो गई, दोनों ही टीम को अंकों की जरूरत है। पर हेक्टर वो आगे बढ़े, रश बॉय को एलिमिनेट करा गया और अब नॉनिक्स बस्ती एक आखिरी खिलाड़ी के साथ। देखिए कार्निवल गेमिंग इस मुकाबले में चिकन डिनर के प्रबल दावेदार वो हमें देखने को मिल जाएंगे। पांच फिनिशेस निकाले लेकिन अनोनिमस उन्होंने गॉब्लिन को स्पॉट किया, डाउन किया, और वो फिनिश किसके पास जाएगा? चलिए अनोनिमस ही वो फिनिश लेके जाएंगे। कार्निवल गेमिंग को व्हीकल रन ओवर करने की कोशिश करते हुए देखते ही देखते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका समापन देखने को मिल जाएगा। कार्निवल गेमिंग सात फिनिशेस के साथ हमें देखने को मिलती हुई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ द लॉबी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ आईक्यू बीएमपीएस 2024। Talking money, need to hear a